हेलो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो एक न्यू एप्लीकेशन आ चुकी है, स्मार्ट कैश लोन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है दोस्तों, और इस एप्लीकेशन से आप लोन कैसे ले सकते हो, इस एप्लीकेशन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी छोटी सी वीडियो में। दोस्तों, इस एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जिसके थ्रू आपको लोन मिल सकता है, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, एंड दोस्तों क्या क्या प्रोसेस है ये भी आपको मालूम हो जाएगा। अबाउट दिस है, मैं इस एप्लीकेशन की कुछ सिक्योरिटी के बारे में जानकारी मिल जाएगी, चेकआउट भी कर सकते हो दोस्तों। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दबा के लाइक करिए वीडियो को दोस्तों। यहाँ पे स्मार्ट कैश लोन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं अपने फ़ोन के अंदर दोस्तों। जैसे ही ओपन करोगे यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। प्राइवेसी पॉलिसी दोस्तों यहाँ पे अग्री कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा इस प्राइवेसी पॉलिसी को, तब अग्री वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। टिक लगा के अग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपको क्या करना है ये भी अग्री कर देना, स्क्रॉल करके अग्री कर लेना दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट और ये सारा कुछ देखने को मिलेगा, ये भी एक्सेप्ट कर लेना, अलाउ कर देना, परमिशन दे देना दोस्तों। एंड दोस्तों कुछ सेकंड का वेट करने के बाद आपको इंटरफेस भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम लोन 50,000 तक है, और ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ भी कर सकते हो एंड लोन भी ले सकते हो। रिटर्न आपको 120 दिन में या तो 90 दिन में कर सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको लोन अमाउंट भी आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाए, तो अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों तो आपका फ़ोन नंबर जो भी होगा उससे लॉगिन कर लेना है दोस्तों। मेरा फ़ोन नंबर से मैंने लॉगिन कर लिया, उसके बाद फिर से अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको सेल्फी लेनी अपनी खुद की, जिसको लोन लेना हो उसी की सेल्फी होनी चाहिए दोस्तों, एंड फ्रंट वाले कैमरे से सेल्फी ले लेना, एंड आधार कार्ड फ्रंट होना चाहिए दोस्तों, ये भी आपको देखने को मिल रहा होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में आधार कार्ड और पैन कार्ड होना जरूरी है, एंड दोस्तों अकाउंट बैंक का इंफॉर्मेशन भी होना जरूरी है। पैन कार्ड का भी फ्रंट लेना है दोस्तों, एंड आधार कार्ड का बैक लगेगा, तो आधार कार्ड का बैक अपलोड कर दीजिएगा दोस्तों, एंड पैन कार्ड का फ्रंट, ये भी पैन कार्ड का फ्रंट लगेगा, और कुछ धुंधलापन नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर सबमिट करके बैंक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं दोस्तों, एंड दोस्तों पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारा कुछ लगने के बाद आपको लोन जो है 2 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रोफाइल वाली ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इसमें क्या है ये भी आपको बता देते हैं, तो प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे माय लोन देख सकते हो, माय इंफॉर्मेशन देख सकते हो, ऐप QR कुछ भी को सेटिंग वाले ऑप्शन में जाके लॉगआउट लॉगिन कर सकते हो पे, एंड दोस्तों इसका अपडेट आता रहता है, चेकआउट भी कर सकते हो दोस्तों, और यहाँ पे कुछ आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू आपको एप्लीकेशन से लोन भी मिल जाएगा। जय जय भारत, वंदे मातरम।